गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे हमारे क्लास 12th की एग्रीकल्चर बायो, ठीक है, जिसमें अपन ने एक लेसन स्टार्ट किया था कल, जिसका नाम था पादप रोग विज्ञान परिभाषाएं शब्दावली, प्लांट पैथोलॉजी डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजी। इसमें अपन ने शब्दावली पढ़ी थी और उसके बाद फसलों के प्रमुख रोग कारकों में अपन ने कवक को फंगस को पढ़ना शुरू किया था, ठीक है, जिसमें अपन ने कवकों के सामान्य लक्षण के बारे में पढ़ा, कवक कोशिका कैसी होती है वो पढ़ा, ठीक है। उसके बाद अब अपन कवक जाल के बारे में भी अपन ने पढ़ा, ठीक है, कवक जाल कवक कोशिका के बारे में पढ़ा। अब कवकों में पोषण कैसे होता है, ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, कवकों में पोषण की विभिन्न विधियां, यानी कवक अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पर्ण हरित न होने के कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं संश्लेषित कर सकते तथा दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए ये परपोषित होते हैं, ठीक है। इनमें पर्ण हरित नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए अपना भोजन दूसरे यानी पेड़ पौधों की तरह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, तो स्वपोषी तो ये हो भी नहीं सकते, तो ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, इसीलिए इनको परपोषी कहते हैं, ठीक है। कवक घुलनशील पदार्थों का अवशोषण, अब कवक क्या करते हैं, या तो घुलनशील पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, उनका अवशोषण करते हैं, कवक जाल की भित्ति यानी कवक जाल की जो भित्ति होती है उनका एवं झिल्ली, कवक जाल की भित्ति एवं झिल्ली अथवा कुछ कवकों में चूसकांग द्वारा अवशोषित होता है, ये अवशोषण द्वारा पदार्थों को करते हैं, कवक जाल की भित्ति या झिल्ली द्वारा, या फिर उनमें कुछ कवकों में क्या होता है, चूसकांग होते हैं यानी चूषण क्रिया के लिए अंग होते हैं, उनके द्वारा वो अपना भोजन अवशोषित करते हैं, ठीक है। पोषण प्राप्ति के आधार पर कवकों को निम्न तीन प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। पोषण के आधार पर पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, उस आधार पर कवकों को तीन भागों में बांटा गया, एक तो परजीवी, दूसरा है मृत जीवी, एक तो जीवित जीवों पर निर्भर रहने वाले परजीवी, एक मरे हुए पदार्थों पर निर्भर रहने वाले कवक मृत जीवी, और एक सहजीवी जो दूसरे जीव पर निर्भर तो रहते हैं, जीवित जीव पर, लेकिन उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है। उसके साथ खुद सहजीवी में क्या होता है, एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है और दोनों जीव एक दूसरे को कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है, दोनों जीव आपस में कुछ पदार्थों का लेन देन करते हैं, ठीक है, वो सहजीवी होता है। परजीवी में क्या होता है कि वह एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है और बस दोनों में कोई पदार्थों का आदान प्रदान नहीं होता, सिर्फ एक जीव ही दूसरे जीव पर निर्भर रहता है और अपना भोजन वहां से प्राप्त करता है। मृत जीवी में मरे सड़े गले पदार्थों से भोजन ना प्राप्त करता है, ठीक है। देखिए, कवकों में पोषण आगे ये चार्ट के हिसाब से अपन समझ सकते हैं। परजीवी, देखिए, कवकों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा परजीवी, जीवित जीवों से भोजन लेने वाला, ठीक है। दूसरा है हमारा मृत जीवी, जो क्या करता है, मृत पदार्थों से भोजन लेता है, और सहजीवी है तीसरा, जो मिलजुल कर जीवन यापन करते हैं, ठीक है। अब परजीवी को भी आगे तीन भागों में बांटा गया है, परजीवी को भी आगे तीन भागों में बांटा गया। एक तो अविकल्पी परजीवी, यानी जो एक ही जीव पे अपने भोजन के लिए निर्भर रहता है, अगर वो जीव ना रहे तो उस पर निर्भर ये कवक भी, परजीवी कवक भी मर जाएगा, ठीक है। वो दूसरे यानी दूसरे अन्य जीवों पर नहीं निर्भर रह सकता, वो सिर्फ एक ही जीव पर, एक जीव पर रहता है। विकल्पी मृत जीव, यानी जिनके पास एक, जिन जीव पर निर्भर हैं, वो जीव अगर मर जाए या खत्म हो जाए तो वो दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। और विकल्पी परजीवी, एक और विकल्पी परजीवी यहाँ पे दे रखा है, विकल्पी मृत जीवी है यहाँ पे, विकल्पी मृत जीव यानी एक ही मरे हुए पदार्थ पर निर्भर रहता है, ठीक है, ठीक है, दूसरे मरे हुए पदार्थ पर निर्भर नहीं रहता, मरे हुए जीव पर निर्भर नहीं रहता। और विकल्पी परजीवी का मतलब एक जिंदा जीव पर निर्भर रहता है, एक ही, दूसरे किसी जिंदा जीव पर वो अपने भोजन के लिए निर्भर नहीं रहता। सहजीवी में देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक तो लाइकेन और दो है माइकोराइजा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आने वाली क्लास के लिए, तो ये अपन अच्छे से और अच्छे से आप समझिएगा, इसको पढ़िएगा, कई सारे सवाल इसमें से बनते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे अपन परजीवी किसे कहते हैं। देखिए, वे कवक जो अपना भोजन जीवित जीवों से प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं, जीवित जीवों से, ये ध्यान रखना, परजीवी में जीवित जीवों से प्राप्त करते हैं वो परजीवी कहलाते हैं।
इनको तीन भागों में बांटा गया है। अब इनको भी तीन भागों में बांटा गया है, अविकल्पी परजीवी। देखिए अविकल्पी परजीवी क्या होते हैं, वो परजीवी जो अपना संपूर्ण जीवन काल दूसरे जीवित जीवों पर ही व्यतीत करते हैं, जो अपना संपूर्ण जीवित जीवन काल होता है पूरे जीवन में क्या करते हैं, दूसरे जीवों पर ही निर्भर रहते हैं, दूसरे जीवों पर पूरे जीवन काल। इनको प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम पर उगाया ही नहीं जा सकता, इनको उगाया नहीं जा सकता कृत्रिम रूप से, ठीक है। इनको प्रयोगशाला में अपन कृत्रिम माध्यम पर नहीं उगा सकते, कृत्रिम माध्यम पर उनको बिल्कुल उगा ही नहीं सकते अपन। जैसे उदाहरण एल्वुगो, एरिसाइफी, स्क्लेरोस्पोरा, पक्सीनिया, ये ठीक है, ये अविकल्पी परजीवी है जो अपना जीवन काल पूरा का पूरा जीवन काल किसी अन्य जीव पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, ठीक है, और इनको अपन कृत्रिम माध्यम में प्रयोगशाला में बिल्कुल उगा ही नहीं सकते। आगे है विकल्पी मृत जीवी। वास्तव में ये कवक परजीवी होते हैं परंतु आवश्यकता पड़ने पर कुछ समय के लिए मृत जीवी की भांति अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये वास्तव में तो परजीवी होते हैं, ठीक है, कवक परजीवी होते हैं, लेकिन अगर उनको आवश्यकता पड़ जाए, जैसे ये इस जीव पर निर्भर है, एक परजीवी है, ठीक है, ये छोटा सा परजीवी इस जीव से अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, ये जीव अगर मर जाए तो जब तक इनको कोई दूसरा जीव नहीं मिलता है तब तक ये मरे हुए जीव से भी अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके पास विकल्प है, जब तक दूसरा नहीं मिलेगा तब तक ये इस मरे हुए जीव पर निर्भर रह सकते हैं। ये जीवित परपोषी के अलावा मृत पदार्थों पर भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं, ठीक है, जब तक इनको कोई दूसरा जीवित जीव नहीं मिल जाता तब तक ये मरे हुए पदार्थ पर भी जीवित रह सकते हैं, ठीक है। उदाहरण अष्टिलागो, टेफ्रिना आदि। फिर है विकल्पी परजीवी। मुख्य रूप से ये कवक मृत जीवी ही होते हैं, मुख्य रूप से तो ये मृत जीवी ही होते हैं, परंतु कुछ परिस्थितियों में क्या होता है, मैं यह परजीवी के रूप में, कुछ परिस्थितियों में ये परजीवी के रूप में भी रह सकते हैं। उदाहरण फ्यूजेरियम, पीथियम, अल्टरनेरियम, सार्कोस्पोरा आदि, ठीक है। फिर देखिए दूसरा है अपना पर सॉरी कवकों का दूसरा पोषण के आधार पर बांटा गया भाग है मृत जीवी। वे कवक जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मरे हुए कार्बनिक पदार्थों से, यानी मरे हुए जीव जंतुओं से या कार्बन से बने हुए पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं, जैसे म्यूकर, एगेरिकस आदि, ठीक है। एगेरिकस आपने सुना होगा, मशरूम, ठीक है, मशरूम होता है ये मशरूम, जिसे अपन नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, खुम्बी। ये बारिश के समय, अभी जो नॉर्मल बारिश का समय होता है, तो बारिश होती है और बारिश के बाद अपन देखते हैं ये बाहर आ जाते हैं। तो ये कौन कहाँ से आते हैं और कहाँ कैसे बनते हैं, ये कैसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ये जो सड़ा गला पदार्थ होता है, कचरा होता है, वहाँ पर ये उगते हैं, ठीक है। आप देखोगे उनके आसपास जहाँ भी ये उगे हुए होंगे वहाँ पर कुछ ना कुछ सड़ा गला पदार्थ होगा, ठीक है, तो ये वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो इसलिए मृत जीवी होते हैं। सहजीवी, वो कवक जो अन्य जीवों के साथ मिलकर जीवन यापन करते हैं, मिलकर जीवन यापन करते हैं, यानी दूसरे पर सिर्फ निर्भर नहीं रहते, उसके साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है, तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। और लाभ कैसे पहुंचाएंगे, एक जीव दूसरे जीव से कुछ लेगा तो दूसरा पहले से भी कुछ लेगा, ठीक है। जीवन जीने की यह कला सहजीवन कहलाती है, तथा भाग लेने वाले जीवों को सहजीवी कहते हैं। जीवन जीने के साथ में मिलकर जीवन जीने की, भोजन आदान प्रदान करने की जो ये कला है उसे अपन सहजीवन कहते हैं। और जो दो जीव जो भाग लेते हैं, जो एक दूसरे पर भोजन के लिए, अन्य पदार्थों के लिए निर्भर रहते हैं, उनको अपन सहजीवी कहते हैं। उदाहरण के लिए लाइकेन और माइकोराइजा। लाइकेन और माइकोराइजा, अब लाइकेन के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बनते हैं, इससे इतने क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ आपकी क्लास के लिए नहीं, आने वाली जो जॉब के एग्जाम होते हैं, बैंक, पुलिस, टीचर, इन सब के, साइंस के टीचर आपके भी लोगे, तो ये आगे आपको देखने को बहुत मिलेगा, तो इसको अपन अच्छे से पढ़ते हैं। लाइकेन क्या होता है, देखिए लाइकेन ये सहजीवी का उदाहरण है, सहजीवन का, यानी कम से कम दो जीव तो इसमें होंगे, ठीक है। तो लाइकेन के अंदर देखिए, एक तो कवक का जीव होता है,
और एक शैवाल होता है, यानी एक तो कवक का पौधा होता है और दूसरा शैवाल होता है। दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। ये कवक इस शैवाल से कुछ लेगा और शैवाल कवक से कुछ लेगा, ठीक है। या फिर लाइकेन किसे कहते हैं, कवक व साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ये दोनों मिलकर सहजीवन का, सहजीवन जीते हैं, सहजीवी के उदाहरण है कि सहजीवन को लाइकेन कहते हैं, ठीक है। सहजीवन के इस जीवन लीला में एक कवक जीव और दूसरा प्रकाश जीव होता है। एक तो क्या होता है, कवक जीव होता है जो दूसरे पर अपने भोजन के लिए निर्भर करता है, और दूसरा प्रकाश जीव होता है जो प्रकाश से अपना भोजन बनाता है। यानी कि शैवाल या साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, ये प्रकाश जीव होते हैं जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं। ये एक साथ मिलकर जीवन व्यतीत करते हैं, जीवन जीते हैं। प्रकाश जीव को पहले शैवलांश के नाम से जानते थे, जो प्रकाश जीव थे उनको पहले शैवलांश के नाम से जानते थे, यानी ये शैवाल के अंश ही थे। शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को कवक से कुछ खनिज, जल एवं कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। देखिए, एक दो नंबर का सवाल आपको पूछ सकता है, सहजीवन किसे कहते हैं, ठीक है, उदाहरण द्वारा समझाइए। दो नंबर का सवाल, तो सहजीवन की परिभाषा अपन ने लिखनी है, उसके बाद अपन एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को कवक से कुछ खनिज, जल एवं कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। जो शैवाल या साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो भोजन बनाने के लिए जो आवश्यक खनिज, जल एवं कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो कवक उन्हें देता है। वो कौन देता है उन्हें, कवक देता है। तथा कवक को क्या देते हैं ये वापस प्रकाशीय जीव, शैवाल या साइनोबैक्टीरिया, ये कवक को देते हैं पोषण, यानी खाना प्रदान करते हैं, उनको भोजन देकर बदले में शैवाल से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं। तो कवक इनको क्या करते हैं, खनिज, जल, कार्बनिक पदार्थ देते हैं, जबकि कवक इनसे लेते क्या है वापस, शैवाल या साइनोबैक्टीरिया से पोषक देकर बदले में शैवाल से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं, ये लाइकेन देके प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं, ये ध्यान रखें ना। प्रदूषित यानी जो गंदा वातावरण होता है, कीचड़, गंदगीन होती है, वहां पर लाइकेन कभी नहीं उगते हैं। इसलिए ये प्रदूषण के बहुत अच्छे सूचक है, ये प्रदूषण के बहुत ही अच्छे सूचक हैं, ठीक है। ये बताते हैं कि कहाँ प्रदूषण है, कहाँ नहीं है। अब लाइकेन गंदे वातावरण में, प्रदूषित वातावरण में नहीं उगते हैं, इसका मतलब जहां पर लाइकेन उगे हुए हैं वो एकदम सही ढंग का, अच्छा क्या है, वातावरण वाला एरिया है, क्षेत्र है। दूसरा है देखिए, सहजीवन का माइकोराइजा। सन 1885 में क्रैंक ने माइकोराइजा की खोज की थी। 1885 में फ्रैंक नामक एक वैज्ञानिक था, उसने माइकोराइजा की खोज की थी। माइकोराइजा शब्द देखिए माइक्स व राइजा से बना है, माइक्स व राइजा से मिलकर बना है, जो कवक एवं उच्च पादपों की जड़ों में सहजीवन को माइकोराइजा कहते हैं। माइकोराइजा किसे कहते हैं, जो कवक होता है तथा जो कवक और उसके उच्च पादपों की जड़ों में सहजीवन को, ये जड़ों में पाया जाता है, ठीक है। इस सहजीवन से कवकों को कार्बोहाइड्रेट मिलती है, इससे सहजीवन से कवकों को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट यानी भोजन, इनको पोषण प्राप्त होता है। तथा जबकि पादपों को फास्फोरस और नाइट्रोजन उपलब्ध करवाने के साथ साथ सूखा एवं रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। कवक तो इन उच्च पादपों से क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और बड़े पादप जो होते हैं उच्च पादप, वो कवकों से क्या लेते हैं, कवक इनको फास्फोरस और नाइट्रोजन उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है, एवं रोगों से लड़ने की क्षमता भी देते हैं। कवक उच्च पादपों के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता भी उत्पन्न करते हैं, सूखे से, रोगों से। उदाहरण के लिए ग्लोमस कवक का संबंध पाइनस फर यूकेलिप्टस से है, ठीक है। जैसे ग्लोमस नामक कवक क्या करता है, संबंध पाइनस फर यूकेलिप्टस के साथ रहकर क्या करता है, वो सहजीवन बनाता है, माइकोराइजा बनाता है। आगे देखिए, फिर है इत्यादि जड़ों के साथ होते हैं। कवकों का वर्गीकरण देखिए आगे आप, कवकों का वर्गीकरण ये तो अपन ने देख लिया, अब कवकों में पोषण कैसे प्राप्त होता है, अब कवकों का वर्गीकरण क्या होता है, कवक किस प्रकार से वर्गीकृत होते हैं। तो वर्गीकरण विज्ञान के जनक माने जाने वाले कैरोलस लीनियस, यहाँ ध्यान रखना, वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, कैरोलस लीनियस को कहते हैं, ये अपन ने 11th एग्रीकल्चर बायोलॉजी में पढ़ा है, ठीक है।
कवकों को वनस्पति जगत में रखा है। इनको कवकों को किस में रखा है? वनस्पति जगत में रखा था। लेकिन जो जनक थे, जिन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण प्रस्तुत किया था और वो भी मान्य वर्गीकरण था, उसके अनुसार कवकों को पहले वनस्पति जगत में यानी पेड़ पौधों वाले जगत में रखा गया था। लेकिन 1969 में व्हिटेकर ने जीवित जीवों के लिए पांच जगत दिया है। कवकों को फंजाई में जगत में रखा, क्योंकि कैरोलस लिनियस ने दो ही चीजें बताई थी, एक तो प्लांटी और एनिमेलिया, दो ही जगतों में बांटा था। लेकिन बाद में जो व्हिटेकर आया, जिसने पंच जगत की अवधारणा दी और पांच जगत बताए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है, पांच जगत बताए, जिसमें देखिए कौन कौन से थे, मैं आपको बताता हूं कौन कौन से थे। पहला था हमारा मोनेरा, 11th की टॉपिक को थोड़ा सा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा था एनिमेलिया, ठीक है। लीनियस ने ये दो ही बताए थे, प्लांटी और एनिमेलिया, जिसमें कवकों को उन्होंने प्लांटी में वनस्पति जगत में रखा था, ठीक है। बाद में व्हिटेकर आया और उन्होंने इनको पांच भागों में बांटा और फिर फंजाई, जो कवक होते हैं उनको कहां पर रखा था? फंगस में, फंजाई में रखा था, ठीक है। फिर आया देखो पीए सकार्डो ने कवकों को उनके कवक जाल में पटो एवं लैंगिक जनन के आधार पर चार वर्गों में बांटा। फिर आए पीए सकार्डो। सकार्डो ने कवकों के उनके कवक जाल के कवक जाल कैसे बनाते हैं और कवक जाल के अंदर कितने पट होते हैं, कितने खंड होते हैं और उनमें लैंगिक जनन होता है, उस जनन के आधार पर इन्होंने चार भागों में बांटा। कौन कौन से? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये चार भागों में विभक्त किया था, जिनका संक्षिप्त विवरण अपन नीचे देख रहे हैं, ठीक है, ये सारणी में। अब देखिए कवक जाल और लैंगिक जनन के आधार पर बांटा था पीए सकार्डो ने। किसने बांटा था? पीए सकार्डो, सकार्डो ने बांटा था। अब देखिए पीए सकार्डो ने यह सारणी दी थी और उसका वैसे तो बहुत बड़ा वर्गीकरण किया था इन्होंने, इनको आगे भी बांटा था, लेकिन यहां पे हमारे संक्षिप्त दे रखा है। तो देखिए पहला चार भागों में बांटा था, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। देखिए फाइकोमाइसिटीज वर्ग में क्या होता है? इसका जो कवक जाल होता है वो पटहीन होता है और शाखित होता है। पटहीन होता है मतलब खंड तो नहीं होते हैं, खंड नहीं होते हैं और शाखाओं में बटा होता है। अब इसमें लैंगिक जनन कैसे होता है? इसमें लैंगिक जनन निषिक्तांड या जाइगो बीजाणु से होता है। इसमें लैंगिक जनन निषिक्तांड व जाइगो बीजाणु से होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए एल्बुगो, स्क्लेरोस्पोरा, राइजोपस, ये हैं, ठीक है। फिर देखिए वर्ग एस्कोमाइसिटीज, दूसरे वर्ग में बांटा था एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में जो तो इनका थैलस होता है, ठीक है, वो पट युक्त होता है यानी खंड पाए जाते हैं उसमें और शाखित होता है और शाखाओं में बटा होता है, ठीक है। अब इसमें लैंगिक जनन के लिए, एस्कोमाइसिटीज में लैंगिक जनन के लिए एस्को बीजाणु होते हैं, ठीक है। इस एस्को बीजाणु के आधार पर इस वर्ग का नाम क्या रखा गया था? एस्कोमाइसिटीज रखा गया था। और इसके उदाहरण कौन से है? क्लेविसेप्स, एरिसाइपी आदि। इसी तरह बेसिडियोमाइसिटीज भी देखिए, इसमें भी पट युक्त होता है और शाखित होता है ये। इसमें लैंगिक बीजाणु क्या होता है? एसिडियो बीजाणु। बेसिडियो बीजाणु से क्या होता है? इनमें लैंगिक जनन होता है। उदाहरण के लिए देखिए इसमें पक्सीनिया, स्टिलोगा आदि। ड्यूटेरोमाइसिटीज चौथा और लास्ट है, जिसमें पटयुक्त शाखित होते हैं, जो थैलस होता है वो पटयुक्त शाखित होता है। इनमें लैंगिक बीजाणु का अभाव होता है, अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होता है। इसमें कोई लैंगिक जनन नहीं होता, लैंगिक बीजाणु होता ही नहीं है इसमें, तो लैंगिक जनन कैसे होगा? इसमें अलैंगिक बीजाणु होता है जिसका नाम होता है कोनिडिया और उसके द्वारा नया कवक उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए देखिए अल्टरनेरिया, सार्कोस्पोरा, फ्यूजेरियम आदि, ठीक है। तो ये वर्गीकरण किसने दिया था? पीए सकार्डो ने, ठीक है। अब आगे देखिए आधुनिक युग में त्वरित एवं उच्च परिणाम देने वाले उपकरणों एवं अनुसंधानों के बाद कवकों के वर्गीकरण में कई नवीन बदलाव आए। फिर आधुनिक युग में, अब ये तो थी
पीए सागार्डो ने जो वर्गीकरण दिया वो दिया था हमारे 1886 में। कब? 1886 में दिया था। उसके बाद देखिए उसके लगभग 50 60 70 सालों में क्या हुआ, आगे कई सारे विकास हुए, नए नए तकनीकें आई, आणविक अनुसंधान हुए, उपकरण बने, उनके आधार पर कवकों का एक नई कई नवीन बदलाव आए और उस बदलाव के आधार पर क्या हुआ, वर्गीकरण भी हुआ। सभी जीवित जीवों को वॉइस एवं सहयोगी ने वो बदलाव क्या है, कौन सा वर्गीकरण हुआ, देखिए सभी जीवित जो जीव थे उनको वॉइस एवं सहयोगी ने 1990 में क्या किया था, 16 sRNA या 18 sRNA के आधार पर तीन डोमेन में इनको बांटा था। किसने? वॉइस और उनके सहयोगियों ने। किसके आधार पर? 16 sRNA व 18 sRNA के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा था, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। ठीक है, कवकों को डोमेन यूकेरिया के अंतर्गत रखा, फिर इन तीन सभी जीवों को तीन भागों में तीन डोमेन में बांटा था, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया, जिसमें कवकों को उन्होंने किस में रखा था, यूकेरिया में रखा था। ठीक है, और तीन जगत में सम्मिलित किया। क्रिक व सहयोगियों ने 2008 द्वारा उपस्थित कवकों का नवीन वर्गीकरण दिया और उन्होंने कहा एंसवर्थ एंड बिस्बीज डिक्शनरी ऑफ फंजाई अपनी एक पुस्तक में नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया, जो उच्च कक्षाओं में प्रचलित है, जो बड़ी क्लासों में अपन पढ़ते हैं, यानी BSc, आगे आप एग्रीकल्चर में जो 13वीं 14वीं 15वीं पढ़ेंगे वहाँ ये वर्गीकरण अपन को देखने को मिलेगा। ठीक है, पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले प्रमुख कवक वंश निम्न प्रकार हैं। ठीक है, अब पौधों में जो रोग उत्पन्न करते हैं, जो पौधों के साथ रहकर उनमें रोग उत्पन्न करते हैं, वो कवक कौन कौन से हैं, तो देखिए एल्बुको, स्क्लेरोस्पोरा, फाइटोप्थोरा, क्लेविसेप्स, एरिसाइफी, पक्सीनिया, अस्टिलागो, अल्टरनेरिया, फ्यूजेरियम, सार्कोस्पोरा, कोलेटोट्राइकम, राइजोक्टोनिया आदि। ये सब क्या है? ये पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सब कवक है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक सवाल पूछा जा सकता है एक नंबर का, कि भाई पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले कवक के तीन नाम लिखिए, तीन एग्जाम्पल, तीन उदाहरण दीजिए, तो एक नंबर का सवाल ऐसे बन सकता है। कई लाभदायक कवकों को बेकरी एवं शराब में, जैसे सेकेरोमाइसिस, एस्को एक कोशिकीय यीस्ट है तथा सुपाच्य एवं उच्च प्रोटीन हेतु खाद्य मशरूमों को का काम में लिया जाता है। अब कई कवकों को तो लाभदायक उपयोग भी है, जैसे कई कवकों से बेकरी एवं शराब, बेकरी के जो प्रोडक्ट होते हैं पनीर वगैरह, ठीक है, ब्रेड पनीर, ये सब बनाने में काम में लिया जाता है, और कुछ को शराब बनाने में, यानी जो मदिरा बनाने में काम में लिया जाता है, जैसे सेकेरोमाइसिस एक कोशिकीय यीस्ट होता है। ठीक है, ये बेकरी और शराब बनाने में काम में लिया जाता है। कुछ कवकों को खाने में काम में लिया जाता है, जैसे मशरूम, ठीक है, जैसे बटन मशरूम। इसी तरह पादप रोगों के नियंत्रण हेतु मित्र फफूंद ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया जाता है। अब कुछ पौधों के अंदर रोग फैलाते हैं, तो कुछ पौधों के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता भी उत्पन्न करते हैं, उस आधार पर रोगों के नियंत्रण हेतु उनको मित्र फफूंद कहा जाता है, जैसे ट्राइकोडर्मा के अंतर्गत आने वाले जो फफूंद होते हैं। ठीक है, तो ये कवक से जुड़ी हमारी सारी जानकारी थी जो हमारे कोर्स में थी। अब देखिए अपन दूसरा पढ़ते हैं आगे, जीवाणु बैक्टीरिया। अब जीवाणु के भी कई सारे हानिकारक प्रभाव भी हैं, कई लाभदायक प्रभाव भी हैं, वो भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए जीवाणु क्या होते हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, जीवाणु प्रोकैरियोटिक होते हैं, जिनमें कोष केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती हैं। एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और सूक्ष्मजीव होते हैं, जो कोशिका भित्ति से घिरे होते हैं, इनके चारों तरफ कोशिका भित्ति होती है, तथा द्विखंडन द्वारा विभाजित होते हैं, यानी ये एक बैक्टीरिया से दो खंडों में बंटकर दो नए बैक्टीरिया बना लेते हैं। ठीक है, द्विखंडन द्वारा ये विभाजित होते हैं। सर्वप्रथम जीवाणुओं की खोज किसने की थी, तो देखिए सर्वप्रथम जीवाणुओं की खोज लिवेनहॉक ने की थी। सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने की थी, इंपॉर्टेंट है, लिवेनहॉक ने की थी। कब की थी? 1676 ईस्वी में, 1676 ईस्वी में, यानी आज से लगभग 350 साल पहले की थी। ठीक है, और उन्होंने इन वायरस सॉरी बैक्टीरिया को नाम क्या दिया था, एनिमल क्यूलस नाम रखा था।
और सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज का श्रेय भी इन्हीं को है। ल्यूवेन होक को ही क्या कहा, खोज एक खोज तो इन्होंने की थी बैक्टीरिया की, ठीक है, जीवाणु की, और उसको नाम दिया था एनिमल क्यूलस, और एक खोज की थी उन्होंने जीवित कोशिका की, किसकी, जीवित कोशिका की खोज भी की थी, ठीक है, जीवित कोशिका की खोज की थी जो 1676 में की थी, सॉरी 1676 में तो जीवाणु की खोज की थी, इसके बाद इन्होंने जीवित कोशिका की भी खोज की थी, ठीक है। देखिए जीवित कोशिका की खोज की थी, लेकिन सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन वो कोशिका कैसी थी, वो मृत थी, मृत थी कोशिका, लेकिन जीवित कोशिका की सबसे पहले खोज ल्यूवेन होक ने, बैक्टीरिया की खोज, जीवाणु की खोज भी किसने की थी, ल्यूवेन होक ने, और उन्हें इसने क्या नाम दिया था, एनिमल क्यूलस, ठीक है। सर्वप्रथम सन 1878 में टीजे बरिल ने जीवाणु जनित पादप रोग नाशपति के दग्ध अंगमारी रोग की खोज की। फिर सबसे पहले 1876 में वैज्ञानिक थे टीजे बरिल, जिन्होंने बताया कि जीवाणु से क्या होता है, रोग होता है, ठीक है, और पादप के अंदर जीवाणु से फैलने वाला जो सबसे पहला रोग था, जीवाणु जनित पादप रोग, नाशपति के दग्ध अंगमारी, नाशपति के अंदर जो दग्ध अंगमारी का रोग होता है वो किसके कारण फैलता है, जीवाणु के कारण फैलता है, और ये किसने बताया था सबसे पहले, टीजे बरिल ने बताया था। ये रोग इर्वेनिया एमाइलोवोरा नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। अब ये जो नाशपति के दग्ध अंगमारी रोग है वो कौन से जीवाणु से होता है, इर्वेनिया एमाइलोवोरा, एमाइलोवोरा नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले बताया था कि जीवाणु से रोग भी होता है। अब जीवाणुओं के गुण क्या क्या है वो अपन देखते हैं। जीवाणुओं के गुणों की चर्चा करें तो जीवाणु एक कोशी के सूक्ष्म जीव होते हैं। जीवाणु क्या होते हैं, एक कोशी के होते हैं और सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, जिनमें सुविकसित केंद्रक नहीं होता, अर्थात केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली नहीं होती है, इसलिए इन्हें प्रोकैरियोट की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए इनको किस कहाँ रखा जाता है, प्रोकैरियोट की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है, और कवक के किनकी किसकी बनी होती है, कवकों की बनी होती है, काइटिन व सेल्यूलोज की, ठीक है। इनमें ऊर्जा उत्पादन है तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इनमें नहीं पाया जाता है, ठीक है, लेकिन मिजोसोम पाया जाता है, श्वसन स्थल का कार्य करता है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, जो क्या करते हैं, ऊर्जा के रूप में एटीपी का निर्माण करते हैं, वो होता ही नहीं है इसमें, लेकिन इनमें ऊर्जा के लिए श्वसन स्थल होता है, जहाँ पर इनमें श्वसन होता है वो होता है मिजोसोम, जिनसे इनको श्वसन क्रिया के बाद क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे देखिए, प्रत्येक जीवाणु कोशिका में एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स आदि होते हैं, प्रत्येक जीवाणु कोशिका में होता है। वर्ताकार स्वतंत्र एवं द्विरजु डीएनए होता है। इनमें जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, वर्ताकार यानी गोल होता है, स्वतंत्र होता है, और द्विरजु द्वि हेलिक्स होता है, ठीक है, डबल हेलिक्स। पांचवा देखिए, जीवाणु कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण है तो राइबोसोम्स पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिका में प्रोटीन के निर्माण के लिए क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और इन राइबोसोम्स को प्रोटीन का निर्माण का कार्य करते हैं, इसलिए इनको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। अब राइबोसोम्स देखिए 70S, राइबोसोम 70S जो उप इकाइयों से मिलकर बना है, जिसका नाम है 30S व 50S से मिलकर बना है राइबोसोम 70S का, अवसादन गुणांक रखते हैं, ठीक है। ये लगभग 40% प्रोटीन और 60% आरएनए के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं, जो राइबोसोम 70S होते हैं वो 40% तो प्रोटीन से और 60% आरएनए से बने होते हैं। राइबोसोम्स की एक छोटी इकाई भी होती है जो 30S का व 16S राइबोसोमल आरएनए आजकल प्रचलित वर्गीकरण का प्रमुख आधार है, ठीक है। आजकल ये जीवाणुओं के वर्गीकरण का 16S आरएनए क्या होता है, एक प्रचलित आधार है वर्गीकरण का, बांटने का।
कुछ जीवाणुओं में आनुवांशिक डीएनए के अतिरिक्त एक या एक से अधिक वर्ताकार डीएनए अणु होते हैं, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, अब कुछ जीवाणुओं के अंदर क्या होता है, आनुवांशिक डीएनए के अंतर्गत यानी एक जीव से दूसरे जीव में गुणों को ले जाने वाले डीएनए के एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में गुणों को ले जाने वाले डीएनए आनुवांशिक डीएनए के अलावा कुछ और वर्ताकार डीएनए भी होते हैं। ठीक है, जिन्हें अपन प्लाज्मिड कहते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ज्यादातर पादप रोग करने वाले, रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु ग्राम नेगेटिव होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ज्यादातर जो जो जीवाणु होते हैं जो पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। ठीक है, जैसे जेंथोमोनास, स्यूडोमोनास, इर्विनिया, लेकिन कुछ ग्राम पॉजिटिव भी हैं जो रोग फैलाते हैं, जैसे क्लेवी क्लेवी वेक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये। ठीक है, तो ये जीवाणुओं के कुछ गुण हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये कुछ जीवाणुओं के गुण हैं। फिर देखिए जीवाणु कोशिकाओं की आकारिकी, आकार के आधार पर भी जीवाणुओं को बांटा गया है। अधिकतर जीवाणु कोशिकाएं छड़ाकार हो यानी छड़ के आकार की होती हैं, जो 2 से 25 माइक्रोमीटर की लंबी होती है और 0.5 माइक्रोमिलीमीटर चौड़ी होती है। ठीक है, जीवाणु कोशिकाएं अनेक आकार वाली होती है, लेकिन इन्हें अब जीवाणु कोशिकाएं अनेक आकार की होती है लेकिन इन्हें मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जीवाणु को कोशिकाओं को 4 भागों में बांटा गया है आकार के आधार पर, गोलाकार, छड़ाकार, सर्पिलाकार व विब्रियो। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं इनके आकार के आधार पर। पहली है गोलाकार। देखिए, इस प्रकार के जीवाणु कोशिकाएं गोल होती हैं, गोलाकार नाम से ही पता चलता है ये जीवाणु कोशिकाएं कैसी होती हैं, गोल होती हैं। इस समूह के जीवाणु एक क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, जो निम्न प्रकार से एक क्रम में व्यवस्थित रहते हैं इस समूह के जीवाणु। ठीक है, जैसे पहला है इसमें माइक्रोकोकस, प्रत्येक जीवाणु कोशिका अलग अलग होती है, इसमें प्रत्येक गोल जीवाणु कोशिका क्या होती है, अलग अलग होती है, एक ये ऐसे। ठीक है, अलग अलग होती है जैसे माइक्रोकोकस में। फिर दूसरा है डिप्लोकोकस, ऐसे जीवाणु की कोशिकाएं दो दो के जोड़े में होती हैं, गोलाकार होगी लेकिन दो जोड़ों के साथ होगी, ये दो दो आपस में क्या होगी, एक साथ रहेगी। ठीक है, जैसे डिप्लोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस में क्या होता है, ये जीवाणु माला की तरह श्रृंखला बनाकर रहते हैं। ठीक है, माला की तरह, जैसे एक माला होती है, ठीक है, उसमें ये ऐसे एक श्रृंखला, आपस में ये जीवाणु ऐसे जुड़े हुए होते हैं, मालाकार होते हैं। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस इसका उदाहरण है। टेट्राड यानी इसमें 4 जीवाणु कोशिकाएं चौरस समूह में होती है, 4 कोने के समूह में होती हैं, 4 ऐसे, तो जीवाणु कोशिकाएं होती है वो एक साथ कम से कम 4 की संख्या में तो होगी, तो टेट्राड कहते हैं। ठीक है, टेट्रोकोकस। सार्सिनो क्या होता है, देखो टेट्राड जीवाणु विभाजित होकर यदि पीछे 4 गोलाणु को बना ले और इनकी संख्या 8 या अधिक घनाकार पैकेट में है, तब इन्हें सार्सिनो कहते हैं। ये जो 4 कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये जब आपस में विभाजित होती हैं तो क्या बनेगी, 1 से 2 बनेगी, तो 4 से 8, और वो 4 से 8, बाकी बनने वाली 4 कोशिकाएं इसके पीछे रहती हैं, तो इस प्रकार ये फिर विभाजित होती है, तो 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ये घनाकार पैकेट में, एक घन के आकार के पैकेट में रह जाती हैं, इसे अपन सार्सिनो कहते हैं, जैसे सार्सिनो लूटिया। फिर देखिए स्टेफिलोकोकस क्या होता है, गोल कोशिका विभाजित होकर अंगूर के गुच्छों के समान दिखाई देती है। ठीक है, अंगूर का गुच्छा होता है जैसे, वैसे दिखाई देती है एक गोल कोशिका विभाजित होकर, यानी उसमें संख्या निश्चित नहीं होती है, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है उसमें कोई संख्या निश्चित नहीं होती है कि भाई एक समूह में कितनी कोशिकाएं होगी, कितने जीवाणु होंगे। ठीक है, इसका उदाहरण है देखिए स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। यहाँ पे देखिए आपको माइक्रोकोकस यानी सिंगल कोशिका, डिप्लोकोकस 2 कोशिकाएं एक साथ, टेट्राड यानी 4 कोशिकाएं एक साथ, सार्सिनो देखिए ये चारों आपस में विभाजित होती है तो उनके पीछे एक एक और बन जाती है। फिर देखिए स्टेफिलोकोकस ये अंगूर के गुच्छे की तरह, स्ट्रेप्टोकोकस ये माला की तरह। ठीक है, फिर देखिए छड़ाकार, आकार के आधार पर जीवाणुओं का पहला प्रकार था गोलाकार, अब दूसरा देख रहे हैं छड़ाकार। ज्यादातर पादप रोग करने वाले जीवाणु छड़ाकार होते हैं, छड़ के आकार के होते हैं, जैसे जेंथोमोनास, जेंथोमोनास ये छड़ के आकार के होते हैं, यानी एक छड़ की तरह, एक लड़ की तरह ऐसे रहेंगे। ठीक है,
फिर देखिए सर्पिल आकार, जीवाणु कोशिकाओं का आकार सर्पिल रूप में होता है। इनमें जो जीवाणु कोशिकाएं होती है वो सर्प के रूप में, जैसे सांप का आकार होता है वैसे होता है, ठीक है, इस प्रकार से होंगी। ठीक है, जैसे स्पाइरिलम वॉल्यूटांस, वॉल्यूटांस। फिर देखिए चौथा विब्रियो, विब्रियो देखिए ये जीवाणु कोमा के आकार का होता है, जैसे विब्रियो कोलेरी। एक कोमा कैसा होता है अपना, ये अपन करते हैं ऐसे, ये इस आकार का होता है, ठीक है, ये विब्रियो होते हैं जीवाणु, विब्रियो कोलेरी। ठीक है, फिर आता है अपना जीवाणु की संरचना, जो अपन आने वाली क्लास कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आज अपन ने देखे कवकों के बारे में, कवकों का वर्गीकरण पूरा पढ़ा। ठीक है, उसके बाद अपन ने जीवाणु शुरू किया और जीवाणुओं की सामान्य गुण पढ़े, और उसके बाद जीवाणुओं का आकार के आधार पर वर्गीकरण भी पढ़ा। अब जीवाणुओं की संरचना के बारे में अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने आज पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।